नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चप्पू स्टॉप्स वीडियो चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। जो है वो पंजाबियों की डिश है और वहीं से आई है। एक रिगल सिनेमा हुआ करता था, वहाँ पे एक वेटर्न कुक जो है वो बनाया करता था एक पूरी और एक चिकपी की सब्जी, और इसके साथ में पिकल सर्व किया करता था और सिर्फ 5 रुपये में वो मिलता था। और वो हो गया छोले भटूरे। और छोले और भटूरा जो है वो नेम बाय द दिल्ली पीपल, ऐसे तो चिकपी और पूरी ही है ना, लेकिन इसका नाम छोले भटूरे पंजाबियों ने दिया हुआ है, तो ये पंजाबियों की शान है छोले भटूरे। चलिए बनाते हैं छोले भटूरे। छोले मैंने पूरी रात भिगो के लिया हुआ है और 500 ml करीबन पानी डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसमें। स्वाद के लिए मैं हमेशा ही तेज पत्ता और थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट डालती हूँ, और स्वादानुसार हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और एक पोटली हम बनाएंगे जो चाय पत्ती की है, इससे इसका कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाएगा, है ना। हालांकि इसे हम आंवला से करते हैं लेकिन सभी लोग कर रहे हैं चाय से, तो मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए इसको बीच में डाल के फिर इसे बॉईल करने रख देंगे। छोले बॉईल होते हैं तब तक हम भटूरे का आटा लगा देते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया हुआ है और करीबन 1.5 कप मैदा मैं लूँगी, क्योंकि जिस तरह से छोले मैंने बनाए हैं बस इससे ज़्यादा भटूरे ना हो जाए, तो 1.5 कप बहुत ही है, करीबन 4 भटूरे तो ज़रूर बनेंगे इससे। और हम इसमें सूजी डालेंगे, ये सूजी जो है 30 ग्राम मैंने ली हुई है। आप इसे भिगो के डालें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, लेकिन ये एक ट्राई है, मैं इसी तरह से सूखा डाल रही हूँ सूजी को। और ज़रूरी है हमें दही से इसे आटा लगाना है, तो ये 1/2 कप दही मैंने डाल दिया। और स्वादानुसार हम सॉल्ट डालेंगे, मैंने 1/2 टीस्पून डाला हुआ है। और इसमें हमें बेकिंग सोडा चाहिए, तो ये मैं करीबन 1 टीस्पून डालूँगी बेकिंग सोडा, और दही के ऊपर डाल दीजिए, तो जादू ये क्या होगा कि तुरंत ही फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर ये दही से ही हमें इसे आटा लगाना है, पहले मिक्स कर दीजिए। और जैसे ही ये पूरी तरह से अच्छे से दही इसमें मिक्स हो जाता है और सभी चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप देख सकते हैं, एक साथ में नहीं डालिएगा, ये नरम हो सकता है आटा, तो थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसे आटे की तरह एक अच्छे से आटा बनाना है। और फिर बस इस तरह से गूंथते जाइए और मिक्स करते जाइए, बहुत नरम नहीं आटा हमें बनाना है, जितना पानी लगेगा उतना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसे भटूरे बनाइए। ये सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। और आपने देखा कि मैंने सूजी जो है वो सूखी ली हुई थी, तो क्या होगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, ऐसा ना हो कि सूजी अलग है और मैदा अलग हो जाए। और आटा जो है 45 मिनट्स हमें रेस्ट करने रखना है, उसके बाद में ऐसा हो कि एकदम कड़क से आपको लगे, तो आप तो क्या है कुकिंग करते ही हैं तो मालूम होगा कि किस तरह से हमें आटा लगाना होता है। बस थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा समझदारी से हमें इसे बहुत प्यार से आटा लगा लेते हैं, और रेडी है हमारा ये भटूरे का आटा। 45 मिनट्स हम इसे रेस्ट करने रखेंगे, तब तक हम तड़का लगाएंगे छोले का। चलिए बनाते हैं घर पे छोले मसाला। इसके लिए मैंने ये काली मिर्च लिए हुए हैं, करीबन 10 दाने हैं, 200 ग्राम मैंने छोले लिए हुए हैं,
और 3 ग्रीन इलायची है, ये सूखी मैंने 2 चिली ली हुई है, क्लोव मैंने 3 लिए हुए हैं, ये मैंने जीरा अखा जीरा लिया हुआ है, धनिया लिया हुआ है और ये मैंने सौंफ ली हुई है, और एक है सिनेमन है और ये जावंत्री है, और ये जो है ये जायफल है। तो इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है, इसमें मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर इसे ग्राइंड करके मसाला बनाते हैं और उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं मसाला। आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया है और इसके बाद में मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, तो फिर ये हम यूज़ करेंगे छोले में। तड़के के लिए हमें टमाटर ज़्यादा चाहिए इसमें छोले में, तो बड़े 2 टमाटर लेके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से पेस्ट भी डाल सकते हैं या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश हमेशा फ्रेश ही होता है। और ऑनियन जो है इसमें कम डाला जाता है, तो ये आधा से भी मैं थोड़ा सा कम लेके इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटूंगी, पेस्ट नहीं करना है यहाँ पे भी, और इससे भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो चलिए काट लेते हैं दोनों को। आप देख सकते हैं दोनों को मैंने काट के रखा है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है ना। और ये जो पोटली है अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे निकाल देंगे। और चलिए तड़का लगाते हैं। एक पतीली मैंने ले ली है, गैस ऑन करेंगे। तेल डालेंगे, ऑनियन डाल देंगे, इसे हमें थोड़ा सा लाल करना है, जैसे ही लाल होगा हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा सा लाल होने तक। चलिए ऑनियन हमें जिस तरह से चाहिए ट्रांसपेरेंसी वैसे आ गया है, इसमें मैं करीबन 1 से 1.5 चम्मच गार्लिक डाल रही हूँ, थोड़ा सा जिंजर, अच्छे से जब तक इसकी स्मेल निकल जाए तब तक इसे पकाएंगे। बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत इजी है। आपको मैं एक टिप्स दे सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही सोच में आए कि यार छोले बनाना है, चलिए आप क्या करें कुकर में सब कुछ कर दीजिए एक साथ में मिक्स, ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं ऑनियन डाल के, ये गार्लिक जिंजर ये सब कुछ मसाला, फिर इसी तरह से तड़का दे दीजिए और चने को पूरी रात अगर आपने भिगोया है और इसमें अपने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, तो ये क्या होगा अच्छे से पक जाएगा और सेकंड एक तड़का आप देख सकते हैं तो छोले बन जाएंगे। लेकिन जो धीरे से अच्छे से स्लोली करा जाता है उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है ना। चलिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल चिली पाउडर, हालांकि हमने इसमें जो मसाला बनाया हुआ है इसमें डाला ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा
एक्स्ट्रा मैं डाल रही हूँ। और अभी हम डाल देंगे इसमें टमाटर, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे एकदम से गल जाए तब तक। इसे गलने दीजिए। चलिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं पूरे गल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमने जो छोले जो है वो बॉईल किए हुए थे वो हमें इसमें डाल देने हैं। चलिए छोले का मसाला डालने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे होने देते हैं करीबन 3 से 4 मिनट। और ऊपर का तड़का जो है वो बहुत ही बेहतरीन लगता है तो मैं हमेशा ही करती हूँ। एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और जिंजर के लच्छे बनाए हैं और गार्लिक को मैंने काट के लिया है पतले पतले, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कटे हुए हैं बस। और चिली डाल रही हूँ, थोड़ा सा चिली ज़्यादा घर में पसंद है सब लोगों को। और छोले थोड़ा सा तीखा भी अच्छा लगता है। इसमें क्या करती हूँ मैं, ये जो ये जिंजर है और ये गार्लिक है ये दोनों को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ये तेल जो है ना उसमें पूरा सा घुल जाएगा और इतना अच्छा स्वाद इसका हो जाएगा कि आप जब भी बनाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। बस इस तरह से तड़का ज़रूर ऊपर लगाइएगा, इसे इसका स्वाद जो है दोगुना हो जाता है। और बस ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है और चिली भी डाल देनी है इसके ऊपर। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो इसका प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा और स्वाद भी जो है वो तेल में छोड़ेगा। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ज़रूर सॉल्ट डालिए जब भी तड़का लगाते हैं इस तरह से। और चिली को भी अच्छे से भूनने देंगे और फिर इसे ऊपर से एक झोंक हम कैसे लगाते हैं और इसकी इतनी खुशबू अच्छी प्यारी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप ज़रूर इस तरह से करके बस ऊपर इसके ऊपर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। और आप देख सकते हैं छोले हमारे रेडी हो गए हैं, बस सर्व कर लेते हैं। भटूरे का आटा जो है बहुत अच्छे से फूल गया है और मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा गोला लेके बस इस तरह से हमें आपको राउंड करना है, राउंड कर सकते हैं आप, ओल शेप में कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं मैं जब भी उठाती हूँ तो क्या होता है ये छोटा हो जाता है। तो क्या करें, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अभी कर रही हूँ, उठा नहीं रही हूँ लेकिन वहाँ पे ही मैं बेलती जा रही हूँ जितना हो सके। ये थोड़ा सा मोटा हमेशा ही रहेगा आप कितना भी कोशिश करें। और ये रेडी है हमारा भटूरा और तेल भी गर्म हो गया है तो हम हाई फ्लेम पे ये तेल जो है मैंने बॉईल किया है और इसे इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर क्या करेंगे हम, ये तेल जो है उसके ऊपर डालना है और ये धीरे धीरे फूलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो है थोड़ा सा टूट गया है पीछे से,
अच्छे से मैंने वो नहीं राउंड बनाया था, तो इस वजह से ये फूला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फूलेगा नहीं तो भी भटूरा भटूरा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट हुआ है और बहुत ही अच्छे से कुक भी हो गया है। तो बस इसे पलट दीजिए और थोड़ा सा दबा के बाहर निकाल दीजिए। भटूरे को तोड़ के मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं और अंदर से भी देख लेते हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा भटूरा और छोले को, तो हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कितना टेस्टी बना हुआ है। हाँ जी, बहुत ही बड़ी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी बना हुआ है, और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना मुलायम हो रहा है। तो कैसा लगा आपको छोले भटूरे? अगर माँ ने भी बना लिया और अगर आपका टंग ने आपको रजा दे दिया, आपके माइंड ने आपको रजाबंदी दे दी कि यही टेस्ट जो है वो छोले का अच्छा है, तो आप हमेशा वही बोलोगे कि माँ का टेस्ट जो है बनाया हुआ वो बहुत ही बढ़िया है और हाथों का जादू। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं सैंडविचेस, तो मिलते हैं सैंडविचेस के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं सैंडविचेस के साथ में।